हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी चैनल पर। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीएल मुकाबले का बारे में, जो कि कल से खेला जाएगा और उसके पहले मैच के बारे में जो कि खेला जाएगा एंटीगुआ बारबुडा फाल्कोन वर्सेस सेंट नेविल पैट्रियट के बीच में। देखो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से प्लेयर को आपको जीएल में ट्राई करके चलना है, कौन से प्लेयर को आपको स्मॉल लीग में ट्राई करके चलना है एंड बाय डिफॉल्ट किसको ट्राई करके चलना है, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर समझा देंगे और हर एक प्लेयर को आपको प्रॉपर एनालाइज करके देंगे। लाइक प्लेयर्स का रिसेंट फॉर्म कैसा है, सबसे इंपॉर्टेंट हेड टू हेड में कैसा प्रदर्शन कर रखा है, वेन्यू पर कैसा प्रदर्शन कर रखा है और हमने एक नेक्स्ट एक्स्ट्रा ऐड किया, लाइक फर्स्ट इनिंग में प्लेयर्स ने कैसा प्रदर्शन किया और सेकंड इनिंग में कैसा प्लेयर्स ने प्रदर्शन किया। देखो फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग से थोड़ा अंदाजा लग जाता है और थोड़ा प्लेयर्स के बारे में हम बेटर जान जाते हैं, इसके वजह से मैंने आपको फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग काफी टाइम से ऐड कर रहा हूं और इसमें भी मैं ऐड किया है। बाकी देखो, अगर आपको विनिंग करना है तो प्रॉपर आपको पूरा वीडियो देखना होगा, तब आप डेफिनेटली विनिंग करोगे ही करोगे, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज को डिटेल में एनालाइज कर लूंगा और इतना सब जानने के बाद भी कैसे हारोगे आप है। बाकी लास्ट में डेमो टीम दे दूंगा, बाकी अपने आप से भी आप टीम क्रिएट कर सको, इतना आपको नॉलेज प्रोवाइड कर दूंगा। देखो ये मैच 30 तारीख को खेला जाएगा सुबह 4:30 बजे सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम एंटीगुआ में। देखो ये मैच 4:30 बजे है तो कई लोग ना टीम बनाकर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके सो जाते हैं, वो 4:30 बजे नहीं जग पाएंगे तो उनका लॉस होने का चांसेस इंक्रीज हो जाता है। अगर आपको प्रॉपर खेलना है तो मैं टेलीग्राम पे आपको 4:30 बजे टीम देने की कोशिश करूंगा, अगर नहीं प्रोवाइड कर पाया तो मैं आपको रात में एक बेटर टीम शेयर कर दूंगा जिसको आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रेडी रहना और आप अपने आप से लास्ट मिनट में कुछ चेंज कर सकते हो। चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हैं दोस्तों कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर आपको फाइनल एंड अपडेटेड टीम आएगा। देखिए आफ्टर टॉस, प्लेइंग 11 में, पिच रिपोर्ट में, सब में चेंजेस आते हैं और ये जो पहला मैच है तो इसमें बैटिंग ऑर्डर में काफी ऊपर नीचे होगा, तो मैं आफ्टर टॉस टेलीग्राम पे प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा कि प्रॉपर बैटिंग ऑर्डर क्या है और उसके साथ मैं आपको टीम प्रोवाइड कर दूंगा ताकि अपने आप एक बेटर मतलब विनिंग क्रिएट कर सको इस मैच में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है व्हाट्सएप चैनल का भी, जो कि बैकअप के रूप में आप ज्वाइन कर लो कि इन फ्यूचर कुछ भी होता है तो आप व्हाट्सएप चैनल पे कनेक्ट रहोगे हमसे। चलिए बात कर लेते हैं अब पिच रिपोर्ट का। तो एंटीगुआ में मैच खेला जाएगा जहां टोटल 6 डोमेस्टिक के मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने सिर्फ एक मुकाबले जीते हैं और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 5 मुकाबले जीते हैं। तो यहां से आपको साफ देखने को मिल रहा है कि जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है वो काफी आराम से टारगेट को चेस कर ले रही है। बाकी मैं इंटरनेशनल मैचेस इसमें कवर नहीं किया हूं, बाकी बिलो स्कोर 150 के नीचे आपको 2 बार स्कोर बनाए और 150 से 169 के बीच में 2 बार और 170 से 189 के बीच में 2 बार स्कोर बनते देखा गया है। ऑलमोस्ट हर एक क्राइटेरिया का रन बने हैं तो आप इस मैच में एक अच्छा खासा रन एक्सपेक्ट करके चलना, क्योंकि यहाँ पर एवरेज स्कोर 144 रन है, हाईएस्ट स्कोर कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ 179 रन का, ये भी बात आप ध्यान में रखना। पेसर और स्पिनर्स में पेसर्स ने 56 विकेट और स्पिनर्स ने 45 विकेट लिए हैं। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात किया जाए तो 55 और 45 का आंकड़ा है, तो दोनों जो भी बेटर गेंदबाज होगा उसको अपनी टीम में ट्राई कर लेना। चलिए बात कर लेते हैं रिसेंट मैचेस का, जो कि खेला जाएगा वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के मैच में जो खेला गया था। सॉरी, वेस्ट इंडीज की टीम ने 135 रन 8 विकेट खोकर 20 ओवर बनाए थे, वहीं पर साउथ अफ्रीका की टीम 124 रन 7 विकेट खोकर 16.1 ओवरों में इस टारगेट को चेस नहीं कर पाए थे, जिसमें पेसर्स ने 6 तो स्पिनर्स ने 8 विकेट पिक किया था। देखो यहाँ पर ना ये कुछ पहले के मैचेस है, कुछ T20 वर्ल्ड कप के, कुछ उससे पहले के मैचेस हैं, ये बात आप ध्यान रख चलना, क्योंकि डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में पिच रिपोर्ट काफी फर्क देखने को मिलता है हमें। इंडिया का बात किया जाए तो 196 रन 5 विकेट खोकर 20 ओवर बनाए थे, वहीं पर बांग्लादेश की टीम इसके जवाब में 146 रन 8 विकेट खोकर 20 ओवर में इस टारगेट को चेस नहीं कर पाई थी, जिसमें पेसर्स ने 7 तो स्पिनर्स ने 6 विकेट पिक किए थे। वहीं से पिछला मुकाबला बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था, जिसमें बांग्लादेश की टीम ने 140 रन 8 विकेट खोकर 20 ओवर में टारगेट मतलब खड़ा किया था और ऑस्ट्रेलिया की टीम इसके जवाब में 100 रन 2 विकेट खोकर और डकवर्थ लुइस लगा होगा और ये जीत गई होगा मुकाबला 11.2 ओवरों में। बात करते हैं पेसर्स ने 5, स्पिनर्स ने भी 5 विकेट पिक किए थे। वहीं से पिछला मुकाबला साउथ अफ्रीका और यूएसए के बीच में खेला गया था, जिसमें साउथ अफ्रीका की टीम ने 194 रन 4 विकेट खोकर 20 ओवर बनाए थे, वहीं पर यूएसए की टीम इसके जवाब में 176 रन 6 विकेट खोकर 20 ओवर में इस टारगेट को चेस नहीं कर पाई थी, जिसमें पेसर्स ने 6 तो स्पिनर्स ने 4 विकेट पिक किए थे। देखो मैं यहाँ पर ओवरऑल अगर बताऊं तो आपको यहाँ पर स्कोरिंग दिखा है, बट इंटरनेशनल का है, डोमेस्टिक का स्कोरिंग पैटर्न अलग है। तो और पेसर और स्पिनर्स में दोनों को बराबर हेल्प मिल रहा है, कभी ज्यादा पेसर्स को मिल जा रहा है, कभी ज्यादा स्पिनर्स को मिल जा रहा है, तो जो भी बढ़िया गेंदबाज होगा उसको अपने टीम में ट्राई करके चलना। बात कर लेते हैं अब इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड का, जो कि अभी तक खेला नहीं गया है। एंटीगुआ बारबुडा फाल्कोन अभी तक ये पहला मैच
मैच खेलेगी अपने सीपीएल के कैरियर में। बाकी सेंट नेविल पैट्रियट ने लास्ट के 5 मैचेस में 1 मैच जीते हैं, वहीं इनका डाटा अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि इन्होंने अभी तक कोई भी मैच नहीं खेला है। तो सेंट नेविल पैट्रियट्स का मैं बता दूंगा, एक टीम का ना बैटिंग ऑर्डर काफी तगड़ा है और एक टीम का बॉलिंग ऑर्डर ठीक है, एक टीम बॉलिंग में वीक है तो एक टीम बैटिंग में वीक है, ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है। मैं आगे बता दूंगा कौन सी टीम का बैटिंग लाइनअप काफी स्ट्रांग है। देखो एंटीगुआ का बात कर ले तो यहाँ से ब्रेंडन किंग, जस्टिन ग्रिप्स, फकर जमान, सैम बिलिंग्स, इनके प्रॉपर 4 ही बैट्समैन है। उसके बाद ऑलराउंडर इमाद वसीम, फैबियन एलन, रोशन प्रीमस, उसके बाद जोशुआ जेम्स, एस स्प्रिंगर, हेडन वॉल्स और मोहम्मद आमिर। अगर बात करें तो इनका बैटिंग लाइनअप काफी, मतलब देखो प्लेयर है 1, 2, 3 बढ़िया बढ़िया प्लेयर है, बट थोड़ी बहुत वीक लग रही है बैटिंग लाइनअप, और इससे इनका बॉलिंग काफी स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू सेंट नेविल पैट्रियट्स, आप देखोगे तो पता चल ही जाएगा। बात कर लेते स्टार्टिंग बॉलर तो इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर और जोशुआ जेम्स स्टार्टिंग ओवर कराते दिख जाएंगे, और डेथ में आपको मोहम्मद आमिर, जोशुआ जेम्स और एस स्प्रिंगर आपको डेथ में गेंदबाजी कराते हुए दिख सकते हैं। तो डेथ के बॉलर हमेशा अपने ध्यान में रख के चलना, और इन पर तो किसी को नजर नहीं होगा, तो आप जीएल में ट्राई करोगे तो आपको विनिंग वन साइडेड अच्छा रैंक दिलाने में हेल्प कर सकते हैं। बात कर लेते एबीएफ के, मतलब एंटीगुआ बारबुडा फाल्कन के प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस की, तो ब्रेंडन किंग ये कई मतलब सीरीज से अभी वेस्ट इंडीज के लिए खेल नहीं रहा, इंजर्ड थे, बट ये इसमें वापसी करेंगे सीपीएल में और टीम के कप्तान भी है, तो इनके ऊपर जिम्मेदारी होगी। रन स्कोर उतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी आप इनको टीम में ट्राई कर लेना, कैप्टनशिप के अच्छे खासे मटेरियल रहेंगे। 11 मैचेस में 329 रन, 32 के एवरेज से स्कोर कर रखा है इन्होंने हेड टू हेड में। बाकी वेन्यू पर ज्यादा मैचेस के ज्यादा प्लेयर्स के अवेलेबल नहीं है डाटा। जस्टिन ग्रिप्स अगर आप T10 फॉलो करते होंगे जो वेस्ट इंडीज में चल रहा होगा, उसमें इन्होंने काफी अच्छे अच्छे रन स्कोर किए हैं, बट इनका अगर बात करें रिसेंट उतना अच्छा नहीं है, तो हम स्मॉल लीग में नहीं ट्राई करेंगे, इनको हम जीएल में ट्राई करके चलेंगे। फकर जमान बात करें 54, 10, 23, 4 और 6 ये ठीक ठाक रिकॉर्ड है इनका रिसेंट में, बट हेड टू हेड वेन्यू ये मैच खेले नहीं है, तो इनको स्मॉल लीग में ट्राई करके जा सकते हो, अच्छे खासे चॉइस आपके पास होंगे। सैम बिलिंग्स 37, 33, 14, 12, 14 इनका भी रिसेंट ठीक ठाक है, बट इन्होंने अभी तक कोई भी मैच नहीं खेला है सीपीएल के कैरियर में, तो हेड टू हेड और वेन्यू भी डाटा अवेलेबल नहीं होगा। इनको भी आप चाहो तो स्मॉल लीग में ट्राई करके चलना, बट इन दोनों में से किसी एक को ट्राई करके चलना, दोनों को मत करना। इमाद वसीम आपके टीम में बाय डिफॉल्ट होंगे, 17 रन प्लस 1 विकेट, 0 रन प्लस 2 विकेट और 4 रन प्लस 1 विकेट है। हेड टू हेड में 8 मैच में 21 रन, 10 के एवरेज से और 11 विकेट भी इन्होंने पिक कर रखा है। बाकी वेन्यू पर कोई भी मैच नहीं खेला इन्होंने, तो डेफिनेटली आपके टीम के लिए इंपॉर्टेंट पिक है, और कैप्टन सर्वाइस कैप्टनसी के अच्छे मटेरियल आपके पास ये हो सकते हैं। फैबियन एलन देखो, इनको अगर बॉलिंग मिल जाता है तो बैटिंग नहीं मिलता, बैटिंग मिल जाता है तो बॉलिंग नहीं मिलता, तो आप बॉलिंग से उम्मीद करके चलना। स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, बट इनका ओवर कट जाएगा क्योंकि ये भी स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, इसके वजह से तो इनका हेड टू हेड भी कोई खास नहीं है, तो जीएल में ट्राई करके चलना, स्मॉल लीग में ये रिस्की ऑप्शन आपके पास हो जाएंगे। बाकी रोशन प्रीमस देखो, इनका रिकॉर्ड तो बढ़िया है, बट हम ट्राई तो कर सकते हैं, बट देखेंगे किसके प्लेस पर ट्राई करेंगे, बट अभी के लिए इनको जीएल में ट्राई करके चलना। चलिए मैं इनका रिसेंट आपको बताता हूँ, 33+0, 77+1 और 61+2 ऐसा इनका रिसेंट है। हेड टू हेड में 5 मैच में 36 रन, 9 के एवरेज और 6 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है, तो रोशन प्रीमस एक अच्छे बल्लेबाज और एक अच्छे गेंदबाज आपको नजर आ रहे होंगे। जोशुआ जेम्स इनका भी काफी ठीक ठाक रिकॉर्ड है, 3 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट है, ऐसा इनका रिकॉर्ड है। इन्होंने रन भी स्कोर किया और हेड टू हेड में 1 मैच में खेला था और उसमें 3 रन 3 के एवरेज से स्कोर किया है, तो इनको अब जीएल में डेफिनेटली ट्राई करके चलना। अगर पहली बैटिंग करती है एंटीगुआ बारबुडा का फाल्कन की टीम, तो आपको अध्यात्म में गेंदबाजी कराते हुए दिख सकते हैं। एस स्प्रिंगर ये भी अच्छे खासे चॉइस हो सकते हैं, अगर पहले गेंदबाजी कराती है टीम तो 2-1, 0-1, 1 ऐसा इनका प्रदर्शन है। हेड टू हेड भी ठीक है, 5 मैच में 2 ठीक क्या कहेंगे खराब है, तो डेफिनेटली इनको जीएल में ट्राई करके चलना, ये भी अच्छे खासे ऑप्शन रखते हैं डेथ में गेंदबाजी कराने के। हेडन वॉल्स देखिए, इनका प्रदर्शन तो साथ नहीं, बट एक्सपीरियंस इस पिच पर काफी ज्यादा है, 10 मैच में 15 और 6 मैच में 4, तो इसके वजह से मैं सेकंड इनिंग में अगर फाल्कन की टीम गेंदबाजी करती है तो मैं इनको टीम में ट्राई करके चला जाऊंगा। बाकी यहाँ से मोहम्मद आमिर जो कि बाय डिफॉल्ट आपकी टीम में होने चाहिए, 2-3-3 ऐसा प्रदर्शन है, और हेड टू हेड में भी 5 मैच में 9 पिछले सीजन के लिए जमैका तलावा के लिए खेलते थे, जो काफी अच्छे प्रदर्शन इन्होंने किया था। ये और इमाद वसीम दोनों सेम टीम के लिए खेलते थे और काफी तगड़ा प्रदर्शन भी इन्होंने किया था भी जमैका के लिए। बाकी बेंच पे आपको क्रिस ग्रीन जो कि काफी टैलेंटेड गेंदबाज है बैठे हैं, बाकी टेडी बिशप और कॉफी जेम्स, इन तीनों में से अगर कोई खेलता है तो रिकॉर्ड आप यहां से चेकआउट कर लेना। चलिए अब बात कर लेते हैं देखो कि स्मॉल लीग में किन को ट्राई करना है, तो ब्रेंडन किंग तो बाय डिफॉल्ट आपके टीम के लिए रहेंगे, जस्टिन ग्रिप्स अब जीएल में ट्राई करके चलना,
उसके बाद बात करते हैं यहाँ से फकर जमान स्मॉलिंग में बाय डिफॉल्ट रहेंगे। सैम विलिंग्स भी अच्छे खासे ऑप्शन है, बट देख लेना किसके प्लेस पे एडजस्ट कर सकते हो। मैंने अभी के लिए तो इनको अपने टीम में नहीं ट्राई किया है। इमाद वसीम को तो बाय डिफॉल्ट सब लोग पिक करेंगे, आप भी पिक कर सकते हो। फैबियन एलन को जीएल में ट्राई करके चलना, स्मॉलिंग में थोड़े बहुत ये रिस्की ऑप्शन रह सकते हैं। रोशन प्रीमस की बात करें तो स्मॉलिंग के लिए बाय डिफॉल्ट आपके पास ऑप्शन होंगे। जोशुआ जेम्स स्मॉलिंग में देखो, जोशुआ जेम्स और रोशन प्रीमस दोनों अच्छे गेंदबाजी भी करा रहे, बल्लेबाजी करा रहे, बट एक ओवर कराएगा तो दूसरा ओवर कटेगा, ये बात आप ध्यान में रख के चलना। तो किसी एक प्लेयर को आप जीएल में ट्राई करके चलना, बाकी को जीएल में भी आप ड्रॉप करके जा सकते हो, फिर उतना मौका नहीं मिलेगा तो क्या ही फायदा इन दोनों में से दोनों को ट्राई करने का। एस स्प्रिंगर अच्छे गेंदबाजे, एक्सपीरियंस भी है सीपीएल खेलने का, तो टीम इनको मौका दे सकती है। हेडन वॉल्स सेकेंड इनिंग में बाय डिफॉल्ट मैं इनको अपने टीम में ट्राई करूंगा, फर्स्ट इनिंग में इनको मैं ड्रॉप करके जा सकता हूं। बाकी मोहम्मद आमिर को तो डेफिनेटली आपको बाय डिफॉल्ट अपने टीम में ट्राई करके चलना ही चलना है। अभी तक आपने बूम इलोन ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको ना ही जीएसटी लगता है ना ही टीडीएस लगता है, तो टीडीएस और जीएसटी फीस सबसे पहले बूम इलोन के ऐप नहीं किया था, और यहाँ पर एंट्री फीस भी काफी कम पे करना पड़ता है दूसरे ऐप के मुकाबले, तो यहाँ से आप एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी 20,000 का फ्री गिव अवे मिलता है ऑलमोस्ट हर एक मैच में, चाहे T10 का मैच हो, चाहे इंटरनेशनल मैच हो, चाहे कोई भी लीग मैच हो, यहाँ पर आपको हर एक मैच में फ्री गिव अवे मिलता है 20,000 का। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड, जो कि कोई भी अभी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पर टॉप 10 में अच्छी खासी कार है और भी बहुत बड़े बड़े प्राइजेस हैं, तो सब आप एक बार डाउनलोड करो, चेकआउट करो, आपको पता चल जाएगा, उसके बाद खेलना स्टार्ट कर लेना। बाकी मेरा रेफर कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल सकता है। सेंट नेविल पेट्रियट की बात करें तो इनका बल्लेबाजी सेक्शन देखना कितना स्ट्रांग है। एंड्रे प्लेचर, काइल मेल्स, एविन लुइस, यहाँ से फिर रिली रूसो, और यहाँ से सिकंदर राजा, ट्रिस्टियन स्टॉप, सरफेन रदरफोर्ड, इनके सारे सारे तगड़े बल्लेबाज है, सारे इनफॉर्म बल्लेबाज है। बाकी बॉलिंग में ऑडियन स्मिथ, डोमिनिक ड्रेक, बी परमोल और तबरेज शम्स, बॉलिंग थोड़ी बहुत वीक लग रही है। इन्होंने एनरिच नोरकिया उठाया था ऑक्शन में से, बट वो अभी शायद इस मैच में ना खेले तो उनके प्लेस पर तबरेज शम्स खेल जाएंगे, ये बात आप ध्यान में रख के चल सकते हो। बाकी देखो स्टार्टिंग ओवर आपको डोमिनिक ड्रेक, काइल मेयर्स और ऑडियन स्मिथ कराएंगे, डेथ में आपको डोमिनिक ड्रेक, ऑडियन स्मिथ और काइल मेयर्स आपको डेथ में गेंदबाजी कराते हुए सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सेंट नेविल पेट्रियट्स के प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस की, तो फ्लेचर काफी तगड़े फॉर्म में, 38, 20, 60, 0 और 69 हेड टू हेड में 3 मैच में 80 रन, 26 के एवरेज से स्कोर कर रखा इन्होंने, बाकी वेन्यू पर कोई भी मैच नहीं खेला इन्होंने। बात करते हैं काइल मेयर्स, 0, 4, 18, फिर DNB पे 15, 5, ये इनका रिसेंट परफॉर्म है, हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला होगा क्योंकि ABF की टीम अभी नई है, इसके वजह से मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने अभी तक कोई भी मैच नहीं खेला होगा ABF के खिलाफ है। एविन लुइस, इनका अगर बात करोगे तो 92, 26, 20, 6, 4, हेड टू हेड और वेन्यू पर कोई भी मैच नहीं खेला इन्होंने। रिली रूसो, 106, 7, 40, 0 और 6, हेड टू हेड और वेन्यू पर कोई भी मैच नहीं खेला अभी तक इन्होंने। बात करते सिकंदर राजा, 36 रन प्लस 0 विकेट, 13 रन प्लस 1 विकेट, 43 रन प्लस 0 विकेट, हेड टू हेड और वेन्यू पर कोई भी मैच नहीं खेला है सिकंदर राजा ने। ट्रिस्टियन स्टॉप, 57, 3, 41, 4, 48, इनको तो अपने टीम में ट्राई करके चलना। साउथ अफ्रीका जो लास्ट इंटरनेशनल सीरीज खेली थी उसमें इन्होंने काफी तगड़ा प्रदर्शन किया था। बात की सरफेन रदरफोर्ड, इनको तो आप जीएल में ट्राई करके चलना, काफी नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं, इसकी वजह से स्मॉल लीग में रिस्की ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। ओडियन स्मिथ, डेथ में गेंदबाजी कराएंगे और अगर बल्लेबाजी से मौका मिल जाता है तो उसमें भी आपको अच्छे खासे रन स्कोर करके दे सकते हैं। इन्होंने 3 मैच, 5 लास्ट के 5 मैचेस में पिक कर रखे हैं, तो इनको डेफिनेटली अपने टीम में ट्राई करके चलना ही चलना। डोमिनिक ड्रेक फॉर्म कोई साथ दे नहीं रहा और अभी रेगुलर वेस्ट इंडीज के लिए भी नहीं खेल रहे हैं, तो इनको अब जीएल में ट्राई कर लेना अगर पहले बैटिंग करती है तो, सॉरी बॉलिंग करती है सेंट नेविल पेट्रियट्स की टीम। तो वी परमोल सेकंड इनिंग में ट्राई करना, अच्छा रिकॉर्ड है बट सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट रहेंगे, फर्स्ट इनिंग में रिस्की ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास है। तबरेज शम्सी काफी तगड़े फॉर्म में, T20 वर्ल्ड कप में काफी अच्छा फॉर्म में थे, जो कि वेस्ट इंडीज में भी खेला गया था, तो इसकी वजह से यहाँ पर इनको सपोर्ट मिल सकता है, तो यहाँ पर काफी बेटर करके आपको दे सकते हैं। बाकी देखो बेंच पे आपको जोशुआ डिसिल्वा, रयान जोन और एड नेड आपको दिखेंगे, अगर इनमें से कोई खेलता है तो रिकॉर्ड आप यहाँ से चेकआउट कर लेना। बात कर लेते हैं सेंट नेविल पेट्रियट्स के प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस की, तो फ्लेचर
सॉरी स्मॉलिंग में किनको ट्राई करके चलना और काइल मेयर्स, दोनों को बाय डिफॉल्ट आप ट्राई करके चलना। एविन लुइस टॉप थ्री में से तीनों को आप ट्राई कर सकते हो। रिली रूसो टॉप फोर में रहेंगे तो इनको आप चाहो तो ट्राई करना, अदरवाइज मिस करके जा सकते हो। एज अ ट्रम्प इनको ट्राई करके चलना अगर चल भी रहे हो तो, मैंने अभी के लिए अपनी टीम में नहीं पिक किया है। सिकंदर आजा बाय डिफॉल्ट आपके टीम के स्मॉल लीग के लिए रहेंगे और कैप्टन से वाइस कैप्टन से के भी काफी अच्छे मटेरियल आपके पास ये हो जाते हैं। स्टब्स देखो लोग इनको पिक नहीं कर रहे, बट अगर मान लीजिए पैट्रियट की टीम पहले बैटिंग करती है तो मैं इनको अपने डेफिनेटली टीम में ट्राई करूंगा, प्रमोशन मिल सकता है हिटिंग के लिए इसके वजह से। रदरफोर्ड स्मॉल लीग के लिए काफी रिस्की है। ओडियन स्मिथ जीएल में ट्राई करके चलना, इनको तो फर्स्ट इनिंग में डेफिनेटली स्मॉल लीग में आपको ट्राई करके चलना ही चलना है। ड्रेक पहली इनिंग में इंपॉर्टेंट रहेंगे, सेकंड इनिंग में जीएल में ट्राई करना। बी परमोल सेकंड इनिंग में ट्राई करना, फर्स्ट इनिंग में रिस्की रह सकते हैं आपके लिए। बाकी तबरेज़ शम्सी दोनों इनिंग में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको दोनों इनिंग में आप ट्राई करके जा सकते हो। बात करते हैं आप कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, तो सिकंदर राजा, इमाद वसीम और ब्रेंडन किंग, ये तीनों बेटर ऑप्शन आपके पास होंगे कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए। मैक्सिमम लोग कैप्टन इमाद वसीम और वाइस कैप्टनसी सिकंदर राजा को करके आ रहे हैं। बाकी जीएल में बात करें तो एविन लुइस, फकर जमान और काइल मेयर्स, ये तीनों जीएल के लिए काफी अच्छे ऑप्शन आपके पास होंगे। इन तीनों में से तीनों को आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो अलग अलग टीम में कैप्टन से वाइस कैप्टनसी। बाकी देखो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा सेकंड वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि जो मैचेस का वीडियो यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाते हैं उसका वीडियो हम अपने सेकंड चैनल पे करते हैं। और अगर आप वीडियो देख के टीम क्रिएट करते होगे तो आपको पता होगा कितना फायदेमंद होता होगा, क्योंकि आपको जीतने के चांसेस काफी इंक्रीज हो जाते होंगे। इसकी वजह से टेलीग्राम मतलब अपने दूसरे चैनल का लिंक दे रखा है, जाओ सब्सक्राइब करो और अगर अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करने लगा। बात कर लेते हैं अब टीम का, तो देखो थोड़ा सा यहाँ पर से डिस्कस करेंगे किसको कब ट्राई करके चलना है। आंद्रे प्लेचर विकेट कीपिंग सेक्शन से हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, आंद्रे प्लेचर और सैम बिलिंग्स, दोनों अच्छे हैं बट आंद्रे प्लेचर का फॉर्म अच्छा है सबसे बड़ी बात है और ये अच्छा प्रदर्शन भी कर सकते हैं, ये इनको होम कंडीशन में खेला जा रहा है तो ये सीपीएल में इनका प्रदर्शन हमेशा से अच्छा रहता है। सैम बिलिंग्स नंबर तीन या नंबर चार पर बैटिंग करेंगे, ये मतलब वो भी अच्छी बात है, नंबर चार तक बैटिंग कर रहे हैं तो मौका मिल जाएगा, बट फॉर्म साथ नहीं है इतना अच्छा तो इसकी वजह से मैंने उनको ट्राई नहीं किया है। बैटिंग सेक्शन से ब्रेंडन किंग, एविन लुइस और फकर जमान को ट्राई किया है, जो कि तीनों अच्छे इंपॉर्टेंट है। अगर सैम बिलिंग्स को ट्राई करना चाहते हो तो यहाँ से फकर जमान को ड्रॉप कर देना। बाकी अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन, तो चारों के चारों डिफॉल्ट है, ओडियन स्मिथ, काइल मेयर्स, इमाद वसीम और सिकंदर राजा, चारों अच्छे ऑप्शन है, चारों को आप डेफिनेटली अपनी टीम में ट्राई करके चलना ही चलना। बाकी बॉलिंग सेक्शन पूरा डिपेंड करता है कि कौन सी टीम पहले गेंदबाजी करती है। अभी के लिए शम्सी, आमिर और हेडन वाल्स को मैंने अपने टीम में ट्राई कर रखा है। कैप्टनसी मैंने सिकंदर राजा और वाइस कैप्टनसी मैंने इमाद वसीम को दिया है। आप चाहो तो कैप्टन से वाइस कैप्टनसी एविन लुइस, काइल मेयर्स भी बॉलिंग कराएंगे तो अच्छे ऑप्शन है। जीएल में फकर जमान, ब्रेंडन किंग, ये सबको ट्राई करके आप चलोगे तो आपको अच्छा खासा रैंक आ सकता है। बाकी वीडियो यहाँ तक अभी है, बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को आप यहाँ तक देखो उसको लिए धन्यवाद। बट हाँ, लास्ट में जाने से पहले कह रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मान लो आपको फाइनल टीम चाहिए तो वहीं पर मिलेगा और व्हाट्सएप चैनल बैकअप के लिए आप ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।